दोस्तों सभी को सत श्री अकाल। दोस्तों अगर आप वाकई में कुंडली सीखना और जानना चाहते हैं तो आपकी मेहनत है, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। चलना आपको होगा, मेहनत आपकी होगी। जैसे एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए बंदा दिन रात मेहनत करता है, उसके लिए कम से कम 14 या 12 घंटों की सीटिंग चाहिए और उसको हर करंट अफेयर जानना होता है। तो इसी तरह अगर आप कुंडली के ज्ञाता, ज्योतिष के ज्ञाता बनना चाहते हो तो आपको हर पहलू को बारीकी से जानना होगा, समझना होगा, आत्मसात करना होगा, क्योंकि ये चीजें आपका लगन, समर्पण और समय ही चाहती हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला घर है, देखिए मैंने यहाँ पे एक स्केल्टन, एक पूरी बॉडी दिखा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों जो हमारा ये पहला घर है वो इस बॉडी को दर्शाता है। ये आपके बड़ी काम आएगी, आपको समझने में आसानी भी होगी, क्योंकि पहला घर जो है हमारा ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये बॉडी है पूरी की पूरी। और दोस्तों जो हमारा सेकंड घर है, अब ऐसा समझिए, आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी, मैं कुछ कोरिलेट करके बताता हूँ आपको। अब देखिए जो सेकंड घर है इसमें हमारे दांत, हमारा फेस, चेहरा, आंखें इसमें आती हैं। अब देखिए जो हमारी दाई आंख है वो ज्योतिष कहता है कि यहाँ से आती है, और जो बाई आंख है वो 12वां घर होता है। तो दोस्तों वो बाद की बातें हैं, अभी चंद्र सूर्य का इसको बाद में जाएंगे तो बारीकी करेंगे तब बाद की बातें। अभी जो हमारी दोनों आंखें हैं वो इसी से कोरिलेट करेंगी, क्योंकि हमें एक बॉडी में, इसको ध्यान से समझिएगा जो अब मैं कहने जा रहा हूं, अब ये खाली बॉडी है, ये घर क्या है, ये हमारे सभी अंग हैं, और ये सभी अंग इसमें फिट होंगे तो ये पूरा शरीर बन जाएगा, एक स्वस्थ शरीर बन जाएगा जो देखने में भी अच्छा लगेगा। वो देखने में अच्छा कैसा लगेगा या बुरा लगेगा वो बाद की बात है, ग्रह कौन सा आया, राशि कौन सी आई, तो वो बाद की बात है। पहले जो आपके लिए बेसिक जानकारी है और गहरी जानकारी है, ये समझिए कि यहाँ पे हमारा फेस, ये जो हमारा फेस है, फेस के अंदर आंखें आएंगी, नाक, नोस्ट्रिल, जो भी दांत दूंत सब कुछ आएगा यहाँ आएगा, और कुछ पार्ट जैसे कान, हमारी चिन हो गई, हमारे कंधे हो गए, ये तीसरे पार्ट से देखते हैं। अब तीसरा पार्ट इस चीज को, पहले पार्ट को, पहली बॉडी को अपना योगदान दे रहा है, बस ऐसा समझना है कि हर हर घर का एक योगदान है इस बॉडी में, तब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो दूसरे घर से मैंने क्या बताया कि आपको फेस आएगा, और जो हमारे कंधे हैं, और कंधे यहाँ तक, छाती तक, हमारे दिल तक, ये हमारे थर्ड पार्ट में का योगदान रहता है इस बॉडी को, गले का, खासकर गले का, और यहाँ से दिल तक, दिल से ऊपर का पार्ट है जो, तो ये थर्ड पार्ट से दिखते हैं, और दिल से लेके हमारे नाभि तक ये फोर्थ पार्ट जो है ये अपना योगदान इसको देगा, तब बॉडी में ये अहम रोल प्ले करता है, तब बॉडी में एक कंप्लीट करने में हर घर का एक एक योगदान है। ये हमारा सेंटर पार्ट आ गया जहाँ नाभि आ जाती है। तो ये बातें हैं, ये आपने सीखनी है, मैं आपको एक रास्ता दे रहा हूँ, एक इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि एक खाली बॉडी है और इसमें सभी घरों ने अपना अपना योगदान दिया है, और उसको किन किन चीजों का योगदान, किस किस ने कौन कौन सा योगदान दिया, तो आप अच्छे से एस्ट्रो समझ पाएंगे, तभी ज्ञाता बन पाएंगे जब इसको आत्मसात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब इन्होंने, घरों ने योगदान दिया, तो देखो ये बाल भी आए, तो बाल किसी घर से तो रिलेट करते होंगे ना, माथा आया, माथा चौड़ा हुआ, कम हुआ, बाल घने माथे तक आ गए, तो ये ग्रह का रोल हो गया ना, ये राशि का रोल हो गया, ये बाद की बातें। पहले आपने इन घरों का क्या क्या योगदान है, किस किस ने क्या क्या दिया, तो ये जानना होगा आपको। मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूं, मैंने एक आपको एक एक ट्रिक दिया कि अगर आप ज्ञाता बनना चाहते हैं, इसमें जाना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्ट पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों का इंटरेस्ट पैदा ही नहीं हो पाता, स्टार्टिंग में मेहनत करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो कोर को नहीं पकड़ पाते। और मैं आपको कोर को पकड़ना बता रहा हूँ, एक सिंपल वे में एक रास्ता दे रहा हूँ कि ये सिर्फ स्ट्रक्चर है और ये हमारे सभी बॉडी पार्ट हैं, बाल हैं, सुंदरता है, कंधे हैं, बाजू हैं, सभी शरीर का कोई भी जो भी पार्ट है, तो इन घरों ने इस स्केल्टन को दिया, तब ये एक ऐसा सुंदर स्ट्रक्चर बन पाया। अब किसी के कंधे ब्रॉड होते हैं, कम चौड़े होते हैं, और किसी की चेस्ट और थाई, ये थाई काफी मजबूत होते हैं और कईयों के कम होते हैं, तो ये अलग बातें हैं, ये बाद की बातें हैं, ये बाद में समझेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि एक पहला घर स्ट्रक्चर, और ये सभी घर अपना योगदान दे रहे हैं किसी ना किसी रूप में। इस वे में, इस नजरिए से पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आपको पढ़ना ही होगा इस नजरिए से, क्योंकि जब तक आपका थॉट प्रोसेस इस तरफ नहीं चलेगा तो आप
इस विद्या को इजी नहीं कर पाएंगे, तो उलझे रहेंगे, सोचते रहेंगे कि मैं वास्तु या एस्ट्रो सीख भी पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्योंकि हर विद्या की एक ना इजी स्टेप होता है। अगर आपने उस इजी स्टेप को समझ लिया तो फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आशा करता हूँ आज आप समझ गए होंगे, मैंने एक थॉट प्रोसेस चलाने की कोशिश की है, आपको बता दिया। आगे घरों के बारे में पढ़िए, जानिए और उसको इस नजरे से देखिए कि ये घर इसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी काम है, जिन दुनिया में जितना कुछ भी हो रहा है, इन घरों में ही फिट होता है। जब हम बॉडी के पार्ट देखेंगे तो भी ये काम आएंगे, जब हम रिश्ते देख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया ना, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट बदल गया, कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया कि हम देखना क्या चाहते हैं। रिश्ते देखेंगे तो इन्हीं घरों से फिर देखेंगे, काम देखेंगे तो इन्हीं घरों से देखेंगे, तो इसी तरह इन घर का होल्ड कण कई चीजों पे है। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, पार्ट देख रहे हैं, तो पहले पार्ट के बारे में इन घरों को जानिए, फिर काम, फिर अंग, फिर और चीजें, वो आगे बढ़ती चली जाएंगी। पहले अंगों के बारे में, सिर्फ अंगों के बारे में जानिए कि किस घर का कौन कौन सा अंग है और इस स्कल्टन को पूरा करने में किस घर का क्या क्या योगदान दिया कि एक सुंदर स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ढेरों शुभकामनाएं, आगे बढ़िए, मेरा विशेष आपके साथ हैं, थैंक यू, सत श्री अकाल।